सभी कार्यकर्तागण, और जो हम केवल ये कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जो 3 तारीख को जो रैली है उसमें सभी लोगों को आना है। रैली नहीं है, ये महारैली है। इसमें सारे नौजवान, सभी महिलाएं, सभी बुजुर्ग, सभी लोगों को हम यहाँ निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आए हैं और गया से शुरुआत कर रहे हैं। विष्णुपद मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ और ये महात्माओं की धरती, महापुरुषों की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे भी कार्यक्रम में जाना है तो हम कहेंगे कि जितने नौजवान हैं और जितनी महान जनता है और इंडिया महागठबंधन, एक ही तारीख को आप लोग आ जाइए पटना में, इस रैली को सफल बनाने का काम करना है। अगर इस रैली को आप सफल बनाते हैं तो हमारा जो दिल्ली का जो रास्ता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये निवेदन हम करने के लिए आए हैं आपके बीच में। बहुत बहुत यहाँ पे हमको अच्छा लगा आप आ करके, और आप लोगों में प्रणाम आदाब सलाम करने का काम करता हूँ, क्योंकि आगे तेजस्वी जी को आगे कार्यक्रम में भी जाना है। अब इसके बाद तेजस्वी जी आपके बीच में आएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पछाड़ पटकलियां दे दे करके लोगों को, जो लोग चंगा की बात करते थे, जहर बोलने की बात करते थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते थे, उनको हमने मुद्दे की बात पर आने पर मजबूर किया। हम बोले 10 लाख देंगे तो हमारे चाचा बीच में क्या बोले थे, असंभव है, कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। भाजपा वाला घबरा गया, समझ गया कि हम लोग फंस गए। आनंद फानंद ने भारत सरकार की वित्त मंत्री को भेजा गया पट्टा। अब भाजपा वाला बोला कि 19 लाख रोजगार देंगे। हम बोले सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, उन्होंने बोला कि 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? आज फिर भी 2 साल रहा साथ में, 22 तक बताओ किसको नौकरी दिया, किसको रोजगार दिया। और जब तेजस्वी आया तो तेजस्वी ने 17 महीने में वही मुख्यमंत्री जी जो कहते थे कि असंभव है बाप के पास से लाएगा, उनके हाथ से 5 लाख नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। अरे स्वास्थ्य विभाग का हम कर दिए पब्लिक हेल्थ केयर, उसमें 1,30,000 बहाली निकलने वाला है। हम बोले कि जल्दी कैबिनेट ले, ये मेरा विभाग तो कर दिया स्वास्थ्य विभाग। मुख्यमंत्री जी कहते ठहरिए ना, ठहरिए, समय पे किया जाएगा। हम बोले अब कौन समय आएगा, लेकिन मन में खोट था, उनको लग रहा था कि क्या नौकरी का क्रेडिट, जाति आधारित गन्ना का क्रेडिट, आरक्षण बढ़ाने का क्रेडिट, मानदेय बढ़ाने का क्रेडिट तेजस्वी ले रहा है। अरे हमको क्रेडिट क्या लेना है, लेकिन एक बात तो तय है ना, हम सवाल पूछते बताना कि सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। मेरे मुंह से सुने थे ना, तो क्रेडिट नहीं ले। सोचो जो मुख्यमंत्री जी का विजन नहीं है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, हम सम्मान में कोताही नहीं करेंगे, बड़े हैं उम्र में, लेकिन एक बात तय है, ना उनका कोई विजन है, ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। क्या रीजन है भाई, कोई रीजन नहीं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं, आप लोग ताकत दीजिएगा। अरे ताकत मिले।
बनेगा। तो सोचिए अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहते हुए वैसे मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे उनसे हमने अगर 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया तो एक मौका अगर तेजस्वी को मिलेगा तो हर एक बेरोजगारों का दुख का दर्द को दूर करेंगे, हर एक नौजवानों का भविष्य को सुनहरा करने का काम करेंगे। अरे भाजपा वाले लोग डेली ये लोग एक नहीं बना दो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे कि 9 बार होते ले लिए, आते साथ होते लेते हैं, आप बताओ कहीं देखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अरे एक बार होते लेता तो 5 साल के ना मुख्यमंत्री बनता है। ये बताओ अभी 3.5 साल हो रहा है 20 के चुनाव का और अभी ये 3 बार 3 साल में होते ले लिए। ये भाजपा के लोग 3 बार हमको गाली दे रहे हैं, 3 बार गाली दे रहे हैं और जब सरकार गिरा इस्तीफा दिए तो ईडी को लगा दिया गया, हमारे बुजुर्ग पिता को बैठाया गया, अगले दिन हमको बैठाया गया। तो आप जानते हैं कि लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका था। अगर कोई बिहार की धरती पर अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो उसको याद दिला देना चाहते हैं कि तेजस्वी फूटा गाड़ के खड़ा है दंगा लेकर।